दोस्तों, एक भाई का रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सल कंपनी की एक एम्पलीफायर है और मैं बता दूँ इसकी वाट बढ़ाने की रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसमें 4 माइक, एक ऑक्स और एक टेप की सिलेक्टर स्विच भी है। बेस्ट ट्रेवल वैल्यून भी है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर का इंटरनल पार्ट्स। तो ये देखिए, बहुत गंदा और डस्ट पड़ा हुआ है इस बिट्टी बोर्ड पर। ये 75 वाट का यूनिवर्सल एम्पलीफायर है। अच्छी क्वालिटी की आवाज़ और साफ सुथरी आवाज़ अगर आप चाहते हैं कि अपने एम्पलीफायर से आए, तो सबसे पहले बेस्ट टेबल बोर्ड को डस्ट से दूर रखें, उसे साफ सुथरे करके रखें, क्योंकि डस्ट पड़ने से रेजिस्टेंस, कंडेंसर, सारे कंपोनेंट्स खराब होते हैं। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले अपने एम्पलीफायर के डस्ट को साफ करें और उसे निगरानी में रखें, क्योंकि जंग ना लगे। अगर जंग लग जाएगी तो कंपोनेंट्स अच्छा काम नहीं करेगा और आपका एम्पलीफायर की आवाज़ क्लियरिटी नहीं हो पाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो 75 वाट के एम्पलीफायर को 150 वाट तक नॉर्मली बना सकते हैं। इसके लिए मैं आगे बताऊंगा, आप पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। ये जो ग्रीन कलर में घेरा था, मैंने इस किट को हटा दीजिए। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो कैसेट वाली रील प्लेयर होती है, उसकी एम्पलीफाई करने के लिए, उसके वेव को एम्पलीफाई करने के लिए ये किट होती है। यहाँ देखिए, सिग्नल आउट और इन का दोनों फंक्शन दिया हुआ था, पर यहाँ शायद इन है या आउट है, दोनों नहीं है। इसका भी कनेक्शन मैं बताऊँगा आपको। बस धैर्य के साथ इस चैनल पर बने रहना है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप स्वयं अपने आप से अपने एम्पलीफायर को रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ मुझसे पूछकर। और मेरे व्हाट्सएप पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। ये देखिए, उस भाई ने साफ सुथरा करके भी इस वीडियो को भेजा है, तो मैं बता रहा हूँ, एक अच्छी बात है। आप अपने एम्पलीफायर को ऐसे ही साफ सुथरे करके रखें। इसमें 6 वायर जो रेड, ग्रीन, येलो दिख रही है, बेस्ट ट्रेबल की है, और इधर ब्लैक और येलो, रेड, ब्लैक, रेड दिख रही है। यहाँ ये वॉल्यूम है दाहिने साइड, और बाएं साइड जो दो, एक रेड और ब्लैक दिख रहे हैं, सिग्नल इन है। ये देखिए, सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन भी सही नहीं लग रहा है मुझे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहां जाकर सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन देख सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि अभी थोड़ा, लगभग 10 दिन मैं डिस्टर्ब रहूंगा। 10 दिन तक मेरी वीडियो अच्छी नहीं आएगी, मैं रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप लोग के व्हाट्सएप पर इतने कमेंट्स और कॉल आ रहे हैं दिन भर, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, जवाब दूँ या ना दूँ। तो इतना इस भाई का रिक्वायरमेंट था और आप लोगों की व्हाट्सएप पर रिक्वायरमेंट था, कि मैं मजबूर हो चुका हूँ इस वीडियो को बनाने और बताने के लिए। तो दोस्तों, मुझे थोड़ा वक्त की ज़रूरत है। लगभग मैं 15 से 16 तारीख के आसपास तक डिस्टर्ब रहूँगा, तो इसके लिए खेद है मुझे। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों का रिक्वायरमेंट देखकर, पर क्या करूँ, मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ, इसके लिए सॉरी। तो मैं ये बता दूँ कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं थी। ये रेड वाली जो वायर टूटी है, ये वॉल्यूम की है। मैं एक एक वायर का कनेक्शन आपको बता सकता हूँ आपके व्हाट्सएप पर। अपनी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप पर बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसे ठीक करूँ। तो दोस्तों, ऐसा ही वीडियो भेज सकते हैं आप, क्योंकि मैं देखने के बाद ही आपकी प्रॉब्लम बता सकता हूँ।